वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान ने जहां कदम बढ़ाए वहीं भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाई। फिर चाहे वो अरब सागर में ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ पाकिस्तान का हौसला भी डुबो दिया था, या फिर थल और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन टंगेल, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये वो भीषण लड़ाइयां थी जिन्होंने भारतीय सेना की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। ऑपरेशन जिस दिन हुआ था तब तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया था सरेंडर करने का। ये सरप्राइज था बेसिकली। पाकिस्तान ट्रूप शायद उन्होंने सोचा होगा बटालियन ग्रुप आ गए या ब्रिगेड ड्रॉप हुआ है। केवल जीत नहीं, दबदबा। जैसे ही दरवाजा खुला सबसे पहले मैं था। जब हमने नीचे देखा तो वहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा ग्राउंड ओपन नहीं मिला जहाँ के मैं डिजिट मार्क कर सकता हूँ। ये एक ऑपरेशन आजाद भारत की इतिहास में एक लौती एयरबोर्न असॉल्ट ऑपरेशन है। दुश्मन के लिए सिर्फ हार नहीं, खौफ। टू पैरा की जो पार्टी है जो रात को उन्होंने एयर ड्रॉप किया था, ये पोंगलाई ब्रिज के ऊपर हमारा वेट कर रही थी। पाकिस्तान सैनिकों का भारी से भारी अटैक आ रहा था बार बार, और हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सही है कि युद्ध रणभूमि में जीते जाते हैं, लेकिन आधारशिला रणनीति की ही होती है। ये पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऑपरेशन हुआ इतने बड़े लेवल पे। पाकिस्तान की जो सैनिक थे उनका एक्चुअली पूरा मनोबल टूट गया था, और लगभग 350 लोगों ने वहीं पे बटालियन के आगे, एक छोटी टोली के आगे 350 लोगों ने अपने हथियार रख दिए और सरेंडर कर दिए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर नौसेना कराची पर हमला करती है तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? एडमिरल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? 1965 में नेवी से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करें। वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर।